Hey guys, welcome back to the 15th episode of Pokemon Dark Legend 2. So guys, last episode में हमने इस सिटी के जिम लीडर को हरा दिया था, जिसका नाम था ग्रेनाइट. या जिम लीडर का नाम ही ग्रेनाइट है भाई. ओपी जिम लीडर था, काफ़ी समय लगा हमको हराने में, बट हमने हरा दिया, कैसे भी करके हरा ही दिया भाई. ओपी बोले ओके एक वेस्पी क्वेन. इसके ना मैं हीटियो से इसको ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मुझे ना अपनी पोकेमॉन की ट्रेनिंग भी करनी है सब थोड़ी सी बाकी है. सो या कर लेंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे. टॉक्सिक, अरे ये अच्छा नहीं हुआ यार. मैं बोला कि थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते, बट इसने तो पूरा मूली बिगाड़ दिया. कोई नहीं कोई नहीं, ओके काम करते. एंटीडोट तो हो गया हमारे पास, जो पॉइजन हील करता है अच्छे से. सो देखते गाइस, ओके यहाँ पर एंटीडोट एक ही भैया मेरे पास एक है. वाह एक ही है और एक ही पोकेमोन है जो हमको वैसा हिल करना है. एक काम कर लेता हूँ, लेपल मार लेता हूँ. वो साथ है हमारे पास और साथ है भाई ओपी. अरे भाई अरे हाँ यार, ओके गाइस एक काम करते हैं, लेपल का कोई यूज़ होने ही नहीं वाला सच बताऊँ तो. वो सर्वाइवल एक सर्वाइवल जैसे पोकेमॉन के लिए एक्स्ट्रा सेंसरी जैसे अटैक ओपी है, वन शॉट किल हो जाएगा ना भाई. यार जाने दो, ये पोकेमॉन ही बेकार है सर्वाइवल. ओके एक काम कर लेते हैं हम, लग्जरे को मतलब कि सामने लगते हैं या लग्जरे को, और जो बैटल लगे ना जैसे कि ये जो मैं अवॉइड करना चाहूँगा एंड कर भी दिए आसानी से. ओके गाइस यहाँ पर एक्चुअली ओके हे यू आउट ऑफ द वे. नहीं भाई मुझे आउट ऑफ मतलब कि आउट नहीं होना है भाई. एक क्लिकेटिव एंड एक ये पोकेमॉन है ना काफ़ी ओपी है, मतलब कि ये जो पोकेमॉन है हमारे लिए ऐसा. सो या गाइस देखते हैं, एंड अगर गाइस आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी तो सॉरी. ओके एक्चुअली ना वहाँ पर मैसेज आया था मोबाइल में, इसलिए बोलेंगे टोन बजी. होप कि आपको सुनाई ना दिया हो. या गाइस ओके ओके ओ साइथल ओके ठंडा से चलाई जाएगा यार, कोई चांस ही नहीं है बचने का इसका, इस बच्चे का. ओके फ्लेम थ्रोल में ही चला जाएगा ना. या ओपी ओ अरे भाई ओपी यार. ओके ये तो चला गया अच्छे से, एंड अब आगे क्या होगा वो इंटरेस्टिंग है. ओके यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है खास एक्चुअली. या ओके हमको यहाँ से इसको बचकर जाना होगा. आई थिंक कि अब हमें नाइनटेल्स को अगर छोड़ो लग्जरी की भी ट्रेडिंग हो जाएगी ना. ओके आई कांट फाइंड माय पर्स, तो क्या मैं आपकी पर्स ढूंढूँ क्या महोदय. ओके गाइस एक आइस ट्रेक पोकेमॉन के सामने एक कुछ भी नहीं है. ये पोकेमॉन हिल बेल से क्या होगा, और बेल चिमल इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ज़्यादा इससे. ओके थंडर ओके ओ थंडर से मिस हो गया अटैक. मेडिटेट ओके गाइस ये तो फेंट हो गया यार, काफ़ी इजी था इसको फेंट कराना, काफ़ी इजी भाई. ओपी वेस्पी क्वीन इसके लिए भी एक ही डिस्चार्ज में चला जाएगा, ये थंडर क्यों यूज़ करो इसके लिए, देखा डिस्चार्ज में चला गया. काफ़ी बुरा पोकेमॉन तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये इतना भी स्ट्रांग तो नहीं है, ऑब्वियस की बात है. एक मैक्स पोशन, ये एक अच्छी बात हुई कि एक मैक्स पोशन तो मिल गया कम से कम. या ओके हमको अब यहाँ से जाना है ना, हाँ यहाँ से जाना होगा. या ओके दिस यूर श्योर एस सम वीक पोकेमॉन. हाँ भाई हर लूट में वीक पोकेमॉन तो होगा ही ना, चले पास में वीक पोकेमॉन है. या ओके डिस्चार्ज सिग्नल बीम यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि हमने कभी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है. सो या ओके या सुपर फैंग यूज़ किया इसने, जिसे हो आधी एचपी चली गई डायरेक्ट. ओपी पोकेमॉन नहीं है ये, इसने ये यूज़ किया था ना क्या बोलते उसको, हाँ स्वर्ड डांस इसके लिए, नहीं तो ये तो हमें डर से छुपी नहीं खाता. ओके गाइस ओके स्टाउट लैंड ये तो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है भाई. ओपी पोकेमॉन हाँ आयरन हेड भाई,
क्योंकि एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन ये लगता है। सो आई थिंक कि हमको डार्क एक्स्ट्रा सेंसरी से जाना चाहिए शायद। ओके रिवर्सल, आई थिंक कि गाइस हमको सीधा यही पोकेमोन यूज़ करना चाहिए। इसका नाम है सेलेमेंस, या ऑब्वियस की बात है सेलेमेंस होगा वो। ओके रिवर्सल फिर से यूज़ किया इसने, क्यों यूज़ किया तूने बेटे बताएगा मैं। ओके काम करता हूँ, अर्थ को एक से चला जाएगा ये। ड्रैगन क्रॉ में नहीं यूज़ करने वाले इसलिए, इसके लिए सॉरी। ओके सिर्फ 90 से 40 का हो चुका है, एक लग्जियो वाला है। एक लग्जियो के तो हम 90s को ला ही सकते हैं ना, क्योंकि एक तो वो टाइप का पोकेमोन होता है ना इलेक्ट्रिक। हाँ इलेक्ट्रिक ही भाई। सो या ओके फ्लेम थ्रोल में चला जाएगा ये, फ्लेम थ्रोल में ही चला जाएगा। ओपी, अरे नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करने का, फेंट हो जाने का यार। हीट वेव से अब तो ये फेंट हो गई, अरे कंफ्यूज हो गया हम। ओके हीट वेव एक काम करते हैं, फ्लेम थ्रोल यूज़ करते हैं। ओके अरे यार ठंडे वेव से पैरालाइज भी हो गए, अब तो कोई चांस ही नहीं जीतने का, अब कोई चांस ही नहीं है। ओके फ्लेम थ्रो से ये चला गया गाइज। ओपी यार, एक एक टैलॉन फ्लेम है, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपने लग्जले को। एक ही ठंडर में चला जाएगा ना, नहीं गया तो हम तो चले ही जाएंगे ये तो पक्का है। सो या देखते हैं। ओके एक ठंडर में विलो विस्प से बर्न हो गए हम, अब क्या होगा भाई कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं तो। ओके ओहो सुपर इफेक्ट अटैक मुझे लगा ही। ओके लेवल 46 हो गया लग्जले, काफ़ी अच्छी बात है नहीं है या गाइस। ओके एंड गई एंड भाई साहब आज मैंने एक्चुअली गेम की साउंड डाली है, अगर आपको अच्छा होगा लगा साउंड तो लाइक कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो भाई, मतलब वीडियो को ही लाइक कर लो सॉरी क्या बोला आज मैं, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है भाई। अरे ये डिसेंट, अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि ये एक ग्राउंड टाइप की मंस है। सो मुझे यहाँ पर लाना चाहिए अपने सेलेमेंस को, दोनों 6-7 एच पी पड़े हैं। ओके लग्जुलेंड ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव के बज गए हम। सैंड स्लू इसके लिए भी यही सैंड स्लैश वाली, एक काम करता हूँ कट से चला जाएगा ये देखना। नहीं भाई कट से कुछ भी नहीं हुआ, सेलेमेंस यूज़ करना ही पड़ेगा अब अटैक फ्लाई। ओके फ्लाई हो गए हम, नाइट स्लैप से कुछ नहीं होगा एक्चुअली गाइस, या गाइस एक्चुअली कुछ नहीं होगा रियली यार। कीप इट कमिंग या ओके गाइस वेट ओके गाइस अब ठीक है या गाइस देखते हैं अब अभी अब आगे क्या करना है। ओके ये कौन सी जगह है, काई रिटलेंट के स्टिप, अरे भाई ये कौन सी जगह, मुझे देखना है तो कि हमारे पास बर्न हिल है। नाइस बर्न हिल है, लग्जरी को हिल भी कर लेंगे थोड़ा, या हिल तो कर ही सकते इसको। और दो पोशन सुपर पोशन नहीं बस हो गया इतना। ओके टाउन मैप, ओके गाइज अब हम जाने वाले एरिया स्कैवन, ये कौन सी सिटी है, होली स्वर्ल्ड ये कौन सी सिटी है, अल्फेम सिटी। एक्चुअली गाइज हमें कहाँ पे जाना है, अल्फेम सिटी में या फिर इसमें भाई, आई थिंक सो कि ये क्या था, ये सिटी ये तो वॉल्टर सिटी थी एंड हम यहाँ से आए थे बोला बोल, एंड ये था एंड ये का ये स्टेप। ओके डेवलप डे माइस, आई थिंक सो कि हमको यहाँ से ही जाना होगा या क्या करें, एक काम करते हैं कायर लूट। ओके यहाँ से जाते हैं जाने दो। ओके एक फियर हो, एक फियर हो भाई, हमारे पास कोई फियर नहीं है, सॉरी फॉर डैट या कांट एस्केप एजिलिटी। आई सी आई थिंक सो कि हमको ओमनियस विंड यार, ये आई थिंक कि ओके अब बहुत हो गया, अब गाइस इसके लिए एक अटैक यूज़ करना ही पड़ेगा। अरे हिट है, अरे मुझे फेंट करवा देगा ये तो, अरे गॉट अवे सेफली हो गया। अरे यार हाँ हाँ ब्लिंग इट ऑन, नहीं भाई मुझे कोई ब्लिंग नहीं करना। लोटम फायर, फायर वाले ये क्या आपके पास, हाँ
वेट अ सेकेंड गाइज, वेट अ सेकेंड। ओके अब ठीक है, अब हम साइमंस को लाएंगे क्योंकि साइमंस के पास है ड्रैगन क्लो जैसा अटैक, जिसके समय ओपी अटैक है। ओपी ओके, ओमनियस विंड से क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता है। ओके अर्थ को एक, हाँ ग्राउंड, ओके इसकी ग्राउंड भी एबिलिटी होती है, आज पता चला लॉल। ओके ड्रैगन क्लो से ये तो चला ही जाएगा, चला ही जाएगा ना, हाँ चला ही जाएगा। ओके गैस्ट्रोडॉन, गैस्ट्रोडॉन के लिए भी ये सही है क्योंकि ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होता है, तो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन इस पर इफेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ड्रैगन क्लॉ से ये भी चला जाएगा। ओके गाइस चला भी गया है कार्विनाइन। ओके ये वाला पोकेमॉन तो काफ़ी स्ट्रांग तो नहीं है बट काफ़ी वीक भी नहीं है, मीडियम एज पोकेमॉन यू कैन से। ओके गाइस बट इससे अच्छा बिल्ड ले लिया है, ओके एक ग्लेमिया हुआ है, सीरियसली ग्लेमिया हो यार, व्हाट द हेल यू आर सेइंग मैन, एक ग्लेमिया हो। आई थिंक ना गाइस कि इन सबको ना मार चाहिए, मतलब कि रग्स ले। ओके गाइस, ओके गाइस एक काम करते हैं, यहाँ से नहीं जाना है। ओके अच्छा बता दिया आपने, या ओके यहाँ से भी नहीं जाना है एक्चुअली, यहाँ पर एक डेड एंड है। व्हाट इज दिस मैन, एक पर्ली लेवल 18 का, सीरियसली मैन, सीरियसली आर किडिंग, पर्ली ऑन भाई कौन पकड़ेगा ये पोकेमॉन। ओके गाइस हम आ चुके हैं कौन सी सिटी में, और गाइस हम आ चुके हैं ये कौन सी सिटी पर। ओके हम आ चुके हैं अब किधर भाई, ओके लेट अस सी, हाँ भाई हेल्प करवा दो हमारे पोकेमॉन, काफ़ी अच्छा हो जाएगा या। ओके वाह बट आई ऑलवेज लॉस, ओ माय गॉडनेस बेइज्जती इसकी। ओके खुद की बेइज्जती कर लीजिए तो अलग ही लड़का टैलेंट है, होता है कुछ कुछ में ऐसा टैलेंट, क्या कर सकते हैं अब हम। या गाइस देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही हिट वे में चला जाएगा। ओ माय गॉडनेस व्हाट इज दिस, ओके वन शॉट किल या फिर वन हिट कॉपी। ओके कौन सा पोकेमॉन है, केक लियोन, एक काम करेंगे हम तो ना चार्ज यूज करते हैं, पहले एक्स्ट्रा सेंसेस इसको ना सही टाइप बना देते हैं, या अब आएगा जाबडू। ओके अब हम एक काम करेंगे, अब हम ना यूज़ करेंगे इसके लिए या गाइज वेट। सो गाइज मैंने इसको फाइट को बहुत ही इजी बना दिया भाई, काफ़ी ओपी मैच रही है एंड भाई मैंने ये वीडियो कट कर दी थी, सॉरी फॉर दैट। ओके ओपी यार, ओ इंडिलेन, इंडिलेन भाई क्या यार, बारिश के मौसम प्राइमेप, आर यू किडिंग मी, ए वेट प्राइमेप अच्छा पोकेमॉन है हमारे लिए। सिग्नल बीम्स, ओ फायर पंच, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, सिग्नल बीम से चला जाएगा ना, नहीं ओके एक्चुअली ठंडर से चला जाएगा, हाँ अभी मुझे याद आया ठंडर से तो चला ही जाएगा ये, देख चला गया ओपी मैन। ओके खड़ी हामा जैसे पोकेमॉन है एंड इसके लिए हम यूज़ करेंगे नाइनटेज जैसे पोकेमॉन, क्योंकि वो एक साइकिक टाइप है, सो या काफ़ी आसान हो जाएगा ना हमारे लिए, या एक के एक्स्ट्रा हीट वेव के यूज़ किया मैंने, साइसमिक टॉस यार। ओके देखो भाई ये प्रॉब्लम हो गई ना, एक्स्ट्रा सेंसरी से जाएगा नहीं, अरे भाई नहीं गया, ये क्या है भाई कितना है भाई, है ओपी पोकेमॉन नाइनटीज बट ना ये लेवल अप नहीं है ना, इसलिए कहीं इस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक सो कि यही बात हो तो अच्छा भाई। ओके एक्स्ट्रा सेंसरी एंड इससे ही इसका काम हो गया है तमाम गाइस। ओके हम पर कुछ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ओके एक और मतलब कि पोकेमॉन हील करना पड़ेगा। सो गाइस अभी तक काफ़ी ओपी वीडियो तो हो रहा है एम टू से या। ओके कौन सी प्लेस ही है, ओके केल स्टीपी, केल स्टीप, केल स्टीप, हाँ काफ़ी अजीब नाम है बट कोई बात नहीं,
गेम का नाम भी अच्छा है, पोकेमॉन डार्क लेजेंड 2, काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए भाई मैंने ये गेम एक्चुअली शुरू किया है सीरीज। एंड गाइस यार थोड़ा अच्छा हॉल अक्षर से ऊपर दिखाओ थोड़ा सा तो मजा आए। तो भाई ओपी या ओके गाइस, ओके ओके, एक यहाँ पर एक बैटल है जो हम करेंगे भाई। आई हर्ड पीपल हु इज पगलियर, ओके साइटन म्यूजिक जैम है गाइस, एंड ये एंड नाइट इज यार, ओके मेडी चैम तो अच्छा हिस्सा हमारे लिए कि ये वाला पोकेमॉन है ना, कौन सा बोलते हैं इसको, या सो एक्स्ट्रा सेंस है इसको ही हल्ट करेंगे भाई हम लोग। या ओके मॉर्निंग सन, ओ साइटल की एचपी फुल है भाई, कितनी एचपी चाहिए भाई तेरे को, कम ही है तेरे लिए लॉल। ओके लेवल 41 को गया ना इंटर्स, नेस्टी प्लॉट, ओके इसका पावर कितना है, ओके ओके यार मतलब कि काम का अटैक ही नहीं है कोई, नो या स्टॉप लर्निंग, ओके आइस पंच काफ़ी बुरा नहीं है अच्छा है, ओके थंडर एंड एक्स्ट्रा सेंसरी से फिर से थोड़ा डाउन हो गया, एंड थंडर से तो अभी गया ही समझो, या गाइस ओपी मैन, ओके आई एम टू टायर्ड या इसलिए भाई बोला था कि मैच मत कर, ओके सो या फिर से वही बात, हा, तुम कितने पागल लाल, ओके क्यूबर एंड मेलोवैक जैसा कि मॉन है भाई, ए यार ये क्या हो रहा है, स्कैम है भाई ये तो, मतलब कि मेलोवैक को तो हम ख़त्म कर ही देंगे, एक्स्ट्रा सेंसरी या फिर डार्क पल्स यूज़ करूँ, चाहे जो डार्क पल्स यूज़ करते हैं, डार्क पल्स से ये कुछ नहीं हो, ओ माय गुडनेस ये तो ये वाला पोकेमॉन है ग्राउंड टाइप पोकेमॉन, सो या ग्राउंड टाइप के लिए आई थिंक सो कि सिग्नल बीम कुछ काम कर सकता है, आई थिंक सो, ओके डार्क पल्स एंड क्यूबॉन इज फेंट, नो ओपी मैन, ओके कन्फ्यूज तो हो गया ये, ओके इट हर्ट इट्सेल्फ भाई और क्या चाहिए लाइफ में, ओके सिग्नल बीम एंड ओके फुल हिल, कंफ्यूजन भी हो गया, काफ़ी बुरी बात है ये यार, व्हाट द हेल हो गया, ओके रेंस कंटिन्यूस टू फॉल एंड ओके गाइस ये हो गया यहाँ पर ख़त्म, ओके हा भाई तू हार गया, हा करके, अरे यार गाइस ये इमोल गए भाई, अरे इमोल का देख भाई तेरे लिए यही अच्छा हुआ कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा, ठंडा लू से पैलेंस करके जाओगे नो प्रॉब्लम, ओके बट चला जा यार, हाँ ओके गाइस, ओके एक स्ट्रंक एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, पकड़ लू क्या इसको, जाए दो यार स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एंड एक स्ट्रंक की पकड़ लें, ओके ओके भाई प्लीज कट यूज कर दे एंड हमको जाने दे, ओके गाइस ओ माय गुडनेस, ओके कट यूज़ करेंगे और क्या कर सकते हैं अब हम, या मिस्टी ट्रीज है, ओ माय गुडनेस, ओके यार व्हाट द हेल, सो गाइस आज की सीटों में बस इतने सो गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के सभी को बाय।